1931 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के पश्चात मुगल साम्राज्य की नींव डाली और उसके पश्चात कहा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसके तुझके बाबरी या बाबर नामा कहा जाता है। ये ग्रंथ जो लिखा गया मूलतः उसकी मातृभाषा तुर्की भाषा के अंदर लिखा गया ग्रंथ है। बाबर ने इस ग्रंथ के अंदर न केवल अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जो उसके जीवन काल में घटी उनके बारे में उल्लेख किया है, बल्कि उसने हिंदुस्तान की उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में और खासकर यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी उस भौगोलिक स्थिति का भी उसने यहाँ जिक्र किया है। कहा जाता है कि बाबर ने यहाँ की जो धार्मिक स्थिति थी, कहते हैं कि बाबर ने जो पानीपत के युद्ध के बाद में जो 1527 के अंदर जो खानवा का युद्ध लड़ा, इस युद्ध के अंदर उसने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। बाबर अपनी आत्मकथा में यह लिखता है, जैसा कि कहा जाता है कि बाबर ने राणा सांगा के ऊपर एक संधि भंग करने का आरोप लगाया, हालांकि कुछ इतिहासकार उसको नकारते हैं। इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बाबर अपनी आत्मकथा में जो राणा सांगा के ऊपर जो संधि भंग करने का आरोप लगाता है और उसको युद्ध के लिए ललकारता है एक तरीके से, तो राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में जो युद्ध होता है खानवा का युद्ध, और इस खानवा के युद्ध के पश्चात जब वो अगला युद्ध चंदेरी का युद्ध लड़ता है मेदिनी राय के विरुद्ध, तो ये दोनों ऐसे युद्ध थे, इन दोनों युद्धों के अंदर बाबर एक तरीके से जिहाद का नारा देता है, यानी कि यहाँ वो एक तरीके से अपने सैनिकों को संगठित करने के उद्देश्य से यहाँ राजनीतिक लाभ लेने के लिए यहाँ धर्म का समावेश वो करता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें बाबर के इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि हम यहां करें तो बाबर ने इन युद्धों के पश्चात जो अपनी शासन सत्ता स्थापित की तो उस शासन सत्ता के अंदर कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया। जो व्यवस्था लोदी वंश के समय चली आ रही थी उसी व्यवस्था को उसने जारी रखा। इसलिए कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर एक कुशल नेतृत्वकर्ता तो था, अर्थात एक अच्छा सेनानायक तो था, लेकिन एक अच्छा शासक नहीं था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि बाबर नामा के अंदर हमें बहुत सी ऐसी घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है जो इस बात को इंगित करता है कि बाबर ने अपने आरंभिक जीवन में किन किन कठिनाइयों का उसने सामना किया। जैसा कि कहा जाता है कि बाबर का जो जन्म हुआ और उस जन्म के बाद में उसका पिता का जब इंतकाल हो गया और पिता की मृत्यु के बाद में किस तरीके से उसे अपने परिवार से संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष के बाद में किस तरीके से वो काबुल, कंदार और समरकंद को विजित करता है और विजित करने के पश्चात वो भारत पर आक्रमण करने से पहले 5 बार वो आक्रमण करता है, वो सारा का सारा जिक्र हमें बाबरनामा में देखने को मिलता है। एक खास बात यहां देखने को मिलती है कि बाबरनामा का अंग्रेजी के अंदर जो अनुवाद किया गया है SS बेवरीज के द्वारा किया गया, जो कि हमारे लिए मुगल काल के संबंध में आरंभिक जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। बाबरनामा के बाद में यदि हम दूसरे ग्रंथ की बात करें तो दूसरा ग्रंथ था हुमायूं नामा, जिसकी रचना गुलबदन बेगम, कहते हैं कि गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी और जब वो 8 वर्ष की थी तभी वो हुमायूं के साथ में रहने लगी। 1540 में उसका विवाह हुआ और विवाह के उपरांत कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना गुलबदन बेगम ने अकबर के शासनकाल में की। अकबर ने जब अपने पूर्वजों का इतिहास लिखने का दायित्व जब, या ये कहें कि इतिहास लिखने की परंपरा की जब शुरुआत की और अबुल फजल को जब इसका दायित्व सौंपा गया, उसके पश्चात गुलबदन बेगम ने भी अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर इस ग्रंथ की रचना की। गुलबदन बेगम ने जो ये ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ के अंदर 2 पार्ट है। पहला पार्ट जिसमें बाबर से संबंधित घटनाओं का उसने जिक्र किया है और दूसरा पार्ट हुमायूं के संबंध में उसने यहां जिक्र किया है। बाबर की उपलब्धियों के बारे में उसने इस ग्रंथ के अंदर लिखा है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो जानकारी हमें मिलती है इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हुमायूं के बारे में, हुमायूं के अपने भाइयों के साथ में अस्करी, हिंदाल और कामरान जो उसके 3 भाई थे, उन भाइयों के साथ में उसके किस प्रकार के संबंध थे, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हमें गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया हुमायूं नामा से प्राप्त होती है। यहां एक जो महत्वपूर्ण घटना हमें जो देखने को मिलती है,
कहा जाता है कि शेरशाह के साथ में जो हुमायूं का युद्ध हुआ, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, उस युद्ध के बाद में जब हुमायूं बिहार के अंदर कर्मनाशा नदी को पार कर रहा था तो अचानक उसके सारे सैनिक मर चुके थे। उस समय एक बिस्ती ने उसकी जान बचाई, और उस बिस्ती ने जब उसकी जान बचाई तो जब वो बाहर आया, उसके बाद में जब उसने पुनः हिंदुस्तान की सत्ता को उसने प्राप्त किया था सरहिंद के युद्ध के पश्चात, मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध हुआ शेरशाह के उत्तराधिकारियों के बाद में, तब उसने एक दिन उस बिस्ती को याद किया और उस बिस्ती को उसने याद करके उस दरबार के अंदर बुलाया। यहां गुलबदन बेगम लिखती है कि दरबार बड़ी शान और शौकत के साथ में सजा हुआ था, और उस दरबार के अंदर उस बिस्ती को बुलाया गया और उस बिस्ती से कहा गया कि तुमने मेरी जो जान बचाई थी उसके बदले में तुम चाहो जो मांग सकते हो। कहते हैं कि उस बिस्ती ने उससे जो चीज मांगी, उसने कहा कि मुझे एक दिन का शहंशाह बनाना है। हुमायूं ने उसे एक दिन का शहंशाह बनाया, और कहा जाता है कि उसने एक दिन के शहंशाह अपने शासनकाल के दौरान उसने चमड़े के सिक्के चलाया। इस बात का उल्लेख किसी अन्य समकालीन ग्रंथ के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता, केवल मात्र एक यही एक ऐसा ग्रंथ है हुमायूं नामा, जिसके अंदर ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे कल कंटिन्यू करें। थैंक यू।